अच्छा जी, मैं आया हुआ था अपने गांव, तो मैंने कहा कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लें। तो मैं वैसे भी एक तो बाय नेचर फ्री नहीं रह सकता, बिकॉज मैं फ्री रहूं तो मुझे एनजाइटी प्रिसिपिटेट हो जाती है। सो डैट इज़ द मेन पॉइंट बिहाइंड। सो आपको थोड़ा विज़िट कराते हैं। अच्छा, यहाँ चलते हुए बस एक चीज़ का डर होता है, वो ये है कि कहीं आगे पीछे से यहाँ फसलों के इधर ना कुत्ते छुपे हुए होते हैं। जो ही आप किसी की फसल पे कोई कदम वगैरह रख दें तो वो कुत्ता आपके पीछे लग पड़ता है और आपको घर तक छोड़ के आता है। फिर मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो मैं एहतियातन घर में जो है ना दरवाज़ा वगैरह खुला रख के आया हूँ कि इनकेस अगर मैं भागा भी तो आगे दरवाज़ा वगैरह खुला हो, मुझे रेबीज़ के टीके ना लगवाने पड़ जाए। राइट। सो होता ही है कि अगर इनके से डॉग वगैरह आपके पीछे लग भी जाता है तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। डर लग रहा है, अभी तो खेल शुरू हुआ। तो ये खैर साइंटिफिकली भी ये बात ठीक है कि होता ये है कि अगर आप घबरा जाते हैं ना किसी चीज़ को देख के, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर आसपास कहीं अल्लाह ना करे कुत्ता मेरे पीछे लग जाए, तो आपने जो है ना डरना नहीं है उससे। अगर आप डर जाते हैं उससे तो होता ये है कि आपकी बॉडी से एड्रेनालिन जो एक हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, और जो डॉग है वो एड्रेनालिन को सूंघने की ताकत रखता है। ठीक है, उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो एड्रेनालिन हार्मोन को सेंस कर सके। राइट। सो जितना आप डरेंगे तो आपकी बॉडी में एड्रेनालिन रिलीज़ होगा, तो जब एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज़ होगा तो जो डॉग है वो उसके पीछे भागता है, उस हार्मोन के पीछे, उसको सेंस, क्योंकि उसके अंदर सेंस करने की कैपेसिटी होती है कि वो एड्रेनालिन को स्मेल कर सकता है, तो इसलिए आपके पीछे भाग रहा होता है। ठीक है, इसलिए आप। अच्छा, वो जो मैंने आपको डॉग वाली बात बताई, तो बेहतर यही होता है कि आप छेड़खानी ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, बट इनकेस अगर आपको डॉग बाइट कर भी जाता है तो जो रेबीज़ का इंजेक्शन होते हैं वैक्सीन, तो वो फिर आपको लगवानी पड़ेगी या लाजमी लगवाएं, बिकॉज एक दफ़ा उसके सिम्टम अपीयर हो जाए तो रेबीज़ का कोई भी जो ट्रीटमेंट या क्योर है वो नहीं है। ठीक है, तो उसके सिम्टम अपीयर होने से पहले ही उसका इलाज है, बिकॉज़ अगर आपको एक दफ़ा सिम्टम अपीयर हो गए तो उसके बाद जो है जो मर्ज़ी कर ले आप, तो फिर उसका क्योर नहीं है। सो मेक श्योर इन केस अगर आपको डॉग वगैरह बाइट कर जाता है और वो डॉग जो है वो रेबीज़ से इन्फेक्टेड है, तो आपको फिर वैक्सीन वगैरह लगा लेनी चाहिए और एहतियातन भी लगा लेनी चाहिए अगर डॉग वगैरह बाइट करे, चाहे वो पागल हो या ना हो। ठीक है, तो बिकॉज गाँव वगैरह में तो वैक्सीनेशन का पोलियो नहीं ख़त्म हुआ, तो ये बाकी चीज़ें तो दूर की बात। तो अच्छा, तो भाई ये टिपिकल चीज़ें जो हमारी दीवारों पे लिखी होती हैं, गटर की सफाई। राइट। लिखा तो खैर और भी बहुत कुछ होता है, बट ना वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ना ही यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है। घर वालों ने भी वीडियो देखनी होती है। राइट, बंद करो यार, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।